नमस्कार, आदाब। इंडिया नज़र न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जहां जा सकते हैं वहां शहीद हुए परिवारों से मुलाकात कर रहे हैं, और जहां नहीं जाने पा रहे हैं वहां पर वो फोन से उनका दर्द दुख बांट रहे हैं। इस दुख की घड़ी के अंदर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी सभी शहीद हुए परिवार वालों के लिए दिल से हमदर्दी जता रहे हैं और उनकी हर तरह से सहायता के लिए सहयोग देने का वादा भी कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की वार्तालाप एक परिवार से। अरे पीछे मैं हेलीकॉप्टर भी आपके नगर के ऊपर घूमता रहा, वेदर बहुत खराब होने के कारण मैं उतर नहीं पाया। बोलिए। बोलिए जी। जी जी हाँ, मेरे हमारे कार्यकर्ता कल या परसों फिर से आपको मिलने आएंगे जी। आपके परिवार की पूरी चिंता पार्टी करेगी जी, और ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा जी। मैं जानता हूँ परिवार पर बहुत बड़ी आपत्ति आई है जी। परमात्मा आप सबको शक्ति दे जी। मैंने काफी कोशिश की, सुबह भी वेदर बड़ा खराब होने का घंटे यही बैठ रहना पड़ा। अभी मैं ऊपर तक आया लेकिन नीचे उतर नहीं पाया, मुझे वापस आना पड़ा। आप जरूर आप पर बनाए रखूंगा। आप बस आशीर्वाद दे दीजिए मेरे हमको और मेरी बच्ची को जी। जी आप लोग हमारे परिवार के ही हैं, सब हम मिलकर के आप सबकी चिंता करेंगे। मेरी बेटी का देखभाल से बस आपके गोद में हम अपनी बेटी को रख। आप बेटी क्या पढ़ती है अभी? नहीं पढ़ती, वो तो 2.5 साल की है, सोनाक्षी श्रीवास्तव। बस हमें हौसला भरना है, वही आतंकवादियों को जवाब है। ये आतंकवादी कृत्यों के खिलाफ यही जवाब है। हाँ जी, परमात्मा आपको शक्ति दे। तमें मारा ध्यान रख जो, जय श्री कृष्ण। बस आवे छे तमारा, तमें मारा बापू छो, बस तमें मने दीकरी मानी लियो। हूँ मैं हूँ धनबाद ना मारा नहीं है छे। हाँ हूँ तमें आओ तो हूँ तमें ढोकड़ा खिलाओ, थेपला खिलाओ, बताओ। बस आशीर्वाद, जय श्री कृष्ण। तू जल हाँ ठीक छे बापू। हाँ हूँ जलाराम बापा ने बहु ध्यान राखु छु, ने तमारा पहला जलाराम बापा ने पछी तमे मारा बापू छो। बस भगवान से कहेगा आपने बता बेटा जी। जय श्री कृष्ण।